हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो दे विच असी माइक्रो स्किल्स लैसन प्लान्स दे विच स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लैसन कीती सी। अज साडा टॉपिक है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तां इस दा लैसन प्लान किवें बनूगा, इहदे विच सेम प्रोसैस आ। सब तो पहला तुहाडी इनफॉर्मेशन आ तुहाडे बारे, पीपल टीचर रोल नंबर, सबजैक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास एंड टाइम। ये असी जो भी एड वरत रहे हैं उसनों मैनशन करो। इलस्ट्रेटिव एड कि साड़ी पिक्चर्स, चाकबोर्ड या ब्लैकबोर्ड कह सकते हो तुसी। पिक्चर्स नहीं भी है तो ब्लैकबोर्ड तोड़ी एड हैगी हैगी है। अगे थोड़े दो कॉलम ने फिर सेम लैसन दे, पीटीज एक्टिविटी वाला कॉलम, पीपल टीचर्स एक्टिविटी ते प्यूपल्स एक्टिविटी। तो ये असी क्वेश्चनिंग आ जी हमेशा एग्जैम्पटड आंसर नो करके चलते होंगे कि बच्चे आंसर दे भी सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं, सही भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग के थ्रू असी लैसन डिवेलप करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन असी पुट करते हैं, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। सब तो पहला असी पिक्चर शो करांगे, उस तो बाद गुरु नानक देव जी की पिक्चर मेरे को है तो मैं दिखाऊंगी बच्चों, क्वेश्चनिंग करूंगी आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। तो बच्चे आंसर देंगे क्योंकि जोड़ा लैवल आ बच्चों का सिक्सथ क्लास के बच्चों नॉलेज होगी। असी जोड़ा पिक्चर दिखा के बच्चों तो पूछा तो बच्चे आंसर देंगे, ही इज़ गुरु नानक देव जी। नैक्सट असी क्वेश्चन पूछांगे, विच रिलीजन वाज फाउंडड बाय गुरु नानक देव जी। एक्सपैक्टड जोड़ा आंसर हो सकता है सिखिजम वाज फाउंडड बाय हिम। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, वैन वाज ही बॉर्न। बच्चे आंसर दे सकते हैं, ही वाज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1469। तो असं इतने हमेशा यही आंसर सही लिखने ने, एग्जाम एक्सपैक्टड तो लिखते हैं असं क्योंकि बच्चे आंसर सही दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, पर असी जोड़े नोटबुक के उत्ते आंसर की है सही लिखना है। नैक्सट हैगा, वेयर वाज ही बॉर्न। ही वाज बॉर्न एट राय भोए की तलवंडी। नैक्सट क्वेश्चन विल बी, वट वाज हिज फादर्स नेम। एक्सपैक्टड आंसर विल बी ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ, हिज फादर्स नेम वाज मेहता कालू। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वट वाज हिज मदर्स नेम। आंसर विल बी हिज मदर्स नेम वाज माता तृप्ता, और माता तृप्ता वाज हिज मदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेम ऑफ वन इवेंट रिलेटेड विद हिम। एक्सपेक्टेड आंसर विल बी सच्चा सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, वेन डिड ही डाई। एक्सपेक्टेड आंसर विल बी ही डाइड इन 1539। आ लास्ट क्वेश्चन विल बी, वेन डिड ही ब्रीथ हिज लास्ट। एक्सपेक्टेड आंसर विल बी एट करतारपुर साहिब। क्वेश्चनिंग करन तो बाद असी इस दा ऑब्जरवेशन शेड्यूल बनावांगे, जिवें असी हरेक स्किल दा बनाउने आ। तां स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग दा ऑब्जरवेशन शेड्यूल दे विच पहला इहदे कंपोनेंट्स लिखांगे, एक साइड ते इसकी रेटिंग लिखते जावांगे, पैरेलल कंपोनेंट दे उसकी रेटिंग लिखनी आ। पहला कंपोनेंट हैगा द टीचर यूज्ड प्रमोटिंग क्वेश्चंस टू लीड द पीपल्स टू the expected responses। next component है
द टीचर यूज्ड क्वेश्चंस फॉर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन. थर्ड द टीचर रीडायरेक्ट क्वेश्चंस टू द पीपल्स. फोर्थ कंपोनेंट क्वेश्चन वर ग्रामेटिकली करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चंस वर रेलेवेंट टू द टॉपिक. सिक्स्थ कंपोनेंट क्वेश्चंस वर पुट विद प्रॉपर स्पीड एंड पॉज. नेक्स्ट क्वेश्चंस वर नॉट रिपीटेड अननेसेसरली. एंड लास्ट कंपोनेंट द टीचर यूज्ड क्वेश्चंस टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द पीपल्स अबाउट रिस्पोंसेस. तो मेरे को इत्थे 8 कंपोनेंट्स ने. इत्थे कंपोनेंट्स वध भी लिखे जा सकते ने. 8 to 10 कंपोनेंट्स तुसी लिख सकते हो. तो इस कंपोनेंट्स के हिसाब नाल इस दे पैरेलल असीं इस दी रेटिंग लिखांगे जिहड़ी कि टीचर्स वालों ऑब्जर्व की जाऊगी. तो इस तरह नाल तुहाडा इह लैसन प्लान आ जिहड़ा उह खत्म हो जाएगा. तो इस ढंग नाल तुसीं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग दा लैसन आ जिहड़ा उह कंप्लीट करना है. नैक्सट वीडियो दे विच असीं अगली स्किल दी गल करांगे. तो कीप ऑन वॉचिंग. ओके थैंक्स.